एमपी में अपराध की दुनिया में छोटे छोटे कस्बों में बड़े बड़े गुंडे आवाम को हैरान कर परेशान कर रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर के केसली थाना के सहतपुर से सामने आई है, जहां गोलू सोनी रंगदाल ने एक शिक्षक को उनके घर में घुसकर मारा है, जहां कैमरे में कैद तस्वीर आप देखिए। सहजपुर के शिक्षक है मनोहर लाल सोनी, उनके परिवार को इस गोलू ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर लाठी डंडों से शिक्षक के परिवार के हाथ पैर तोड़ दिए। क्या लगता है आपको, माने पुलिस ने सुना नहीं आपको यहाँ आना पड़ा? हाँ सर, पूर्व में हमने उसकी लगभग 4-5 रिपोर्ट रखी, ठंड में भी की। हाँ। और कई बार वो गाली गलौज देता है, पैसा मांगता है दारू के लिए, और एक दो बार मैंने पैसा दे भी दिए। हमारे लड़का को कभी भी जहाँ चाहे छेंकता है, पैसा मांगता है, लूट उसने 2-4 बार लूटपाट भी की, लेकिन केसली थाने में आज तक उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। अंकित मनोहर तो मैं साथ भी मारपीट की। हाँ मैं भी मारा है, 2-3 बार रास्ते में मारा है, आज घर में घुस के मारा है। तो मैंने वो आज तक अपराधी है, परेशान है सहजपुर, आज तक उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। गोलू की? हाँ गोलू की, आतंकवादी है, डाकू भी है और गुंडा भी है। कम से कम 40 थाने में रिपोर्ट होंगे उसके नाम से। उसकी 2 नाम जद्दे हमारे भतीजे संतोष कुमार सोनी ने नाम जद्दे रिपोर्ट की, गल्ले की चोरी की, उसने बोरा चुराए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। सेटिंग वेटिंग उसकी पुलिस से जो भी हुई है। साथ ही शिक्षक को भी घायल कर दिया। ताज्जुब वाली बात यह है कि पुलिस ने मामूली धाराओं में केस निपटा दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष और उनके परिवार ने एसपी का दरबार में गुहार लगाई है, जहां गोलू रंगदार पर अब बड़ी कार्रवाई के संकेत मिले। योगेश विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, केसली। डॉक्टरों का भरोसेमंद डॉक्टर लाल पैथलेब सेंटर अब आपके नगर देवरी में भी, समस्त छोटी बड़ी जांचों का एकमात्र मान्यता प्राप्त सेंटर। हमारा पता है पोस्ट ऑफिस के पास, देवरी, जिला सागर।